नमस्कार, आइए एक कहानी सुनाने के लिए आपको आज से 102 साल पहले ले चलते हैं। अक्टूबर 1918। इस दिन अमेरिका के कंसास शहर के अखबार में एक हेडलाइन छपी, अ ड्रास्टिक बैन इज ऑन, यानी शहर में लॉकडाउन हो चुका था। सरकार को आखिरकार ऐसा करना पड़ा। अगस्त से शहर में स्पेनिश फ्लू मौत बनकर मंडरा रही थी। हालांकि लॉकडाउन के अगले 27 महीने तक इस फ्लू ने 2300 लोगों की जान ली। यह आंकड़ा न्यूयॉर्क और शिकागो से कहीं ज्यादा था। ऐसा क्यों हुआ ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले कुछ और बताते हैं। मार्च 1918, कैंसस के फोर्ट रायली के कैंप ह्यूस्टन में अमेरिकी सैनिक मोर्चे से निपटने की तैयारी में थे कि अचानक कई सैनिकों को फ्लू, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आने लगे। शुरुआत में 1100 सैनिकों में बीमार होने के लक्षण दिखे और 46 की मौत हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। इसके बाद तो दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों ने दम तोड़ दिया। अकेले अमेरिका में ही 60,000 लोगों की जान गई। आर्मी कैंपों में शुरू हुआ ये फ्लू जल्द ही कई जगह फैल गया, लेकिन रिकॉर्ड फिलाडेल्फिया ने तोड़ा। अगले 24 घंटे में 700 मौतों के साथ उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सितंबर 1918, अमेरिका का शहर फिलाडेल्फिया। यहाँ विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों के लिए एक परेड रखी गई, जिसका नाम था लिबर्टी लोन परेड। मकसद था इसके जरिए सैनिकों के लिए चंदा जमा करना। तब तक अमेरिका में फ्लू ने दस्तक दे दी थी। इसी के चलते कई डॉक्टर्स ने शहर के मेयर को परेड रद्द करने की गुजारिश की, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया और इस परेड में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। नतीजतन परेड के अगले ही हफ्ते शहर में फ्लू से 2600 लोगों की मौत हो गई। 6 हफ्तों में मरने वालों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा पहुंच गया और लगभग 47,000 फ्लू के नए मामले सामने आए। इस बीमारी से उस वक्त शायद ही कोई अछूता रहा हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, लेखक प्रेमचंद हो या फिर अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। इसमें सबसे ज्यादा जाने जिनकी गई उनकी उम्र 20 से 30 साल थी। कहा जाता है कि इस महामारी के दौरान यूरोपीय लोगों के मुकाबले इस वायरस से एशिया में रह रहे लोगों को 30 गुना ज्यादा खतरा था। शायद यही वजह थी कि भारत में ही इससे लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में जो लोग इस बीमारी से बच गए थे उन्होंने इस फ्लू के खौफ से खुदकुशी कर ली। आलम यह था कि कई शहरों में लाशों के ढेर लग गए। आखिर क्या वजूहात रहे कि स्पेनिश फ्लू ने महामारी की शक्ल ले ली? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दरअसल इब्तदा हुई आर्मी कैंप से। पहले विश्व युद्ध के आखिरी महीने के दौरान इस वायरस ने पनपना शुरू किया। रिसर्चर्स का मानना है कि वेस्टर्न फ्रंट पर रहने वाले सैनिक गंदे, तंग और नम हालात में रहने की वजह से बीमार हो गए थे, जिसके चलते उनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया था। बीमारी संक्रमित होने के चलते आसानी से एक दूसरे में फैल गई। अब वक्त था साल 1918 की गर्मियों का। सैनिक अपने घरों को लौट रहे थे और उनके साथ आया था ये वायरस। इसके बाद इस वायरस की चपेट में आने की मियाद सिर्फ शहरों, कस्बों और गांवों तक महदूद ना रहकर उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ब्राजील तक पहुंच गई। लेकिन इसी के उलट साल 2014 की नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस वायरस की शुरुआत चाइना से हुई थी। कहा गया कि साल 1917 में तकरीबन 1 लाख चीनी मजदूरों को काम के लिए फ्रांस और ब्रिटेन लाया गया था और इन्हीं से ये बीमारी यूरोप पहुंची। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसे स्पेनिश फ्लू क्यों कहा गया? दरअसल पहले विश्व युद्ध में न्यूट्रल पोजीशन रखने वाले स्पेन ने अपने यहाँ फैल रहे इस वायरस की खबर को नहीं छिपाया। वहीं इसी युद्ध में शामिल दूसरे देशों ने सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए इस खबर को दबा दिया। उधर पश्चिमी देशों की मीडिया ने इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू के नाम से बुलाना शुरू किया ताकि उन पर इसका इल्जाम ना आए। उधर ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी। इसी फ्लू ने एक साल में 3 अलग अलग फेज में हमला किया था। पहला फेज
इसमें फ्लू से जो प्रभावित लोग थे उनमें बुखार, थकान, ठंड लगने जैसे लक्षण पाए गए और ये कुछ दिनों में ठीक हो जाया करते थे। इस फेज में कम मौतें हुई थी। दूसरा फेज, ये फेज इतना खतरनाक था कि इसमें पीड़ितों का बचना बहुत मुश्किल था। चंद दिनों या घंटों में ही लोगों की मौत हो जाया करती थी। इसके घातक होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बीमारी से जूझ रहे कई लोगों की बॉडी कुछ दिनों में नीली पड़ने लग गई और लंग्स फ्लूइड से भर गया, जिसके बाद उनकी दम घुटने से मौत हो गई। लेकिन इस बीमारी से निपटना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वो दौर था जब लोग अंधविश्वास पर यकीन किया करते थे। उन्हें बीमारियां वो सजा लगती थी जो ईश्वर उन्हें उनके गुनाहों के लिए दिया करता था। उस वक्त साइंस धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा था और नए नए प्रयोग हो रहे थे। इस फ्लू के इलाज के लिए ना तो कोई दवाएं थी और ना ही कोई वैक्सीन। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस फ्लू के फैलने का कारण और इसके इलाज के बारे में ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहे थे। कई अस्पताल मरीजों से इतने भर गए थे कि स्कूलों, घरों और कई बिल्डिंग्स को अस्पतालों में तब्दील करना पड़ा। यहाँ तक कि अमेरिका का एक मिलिट्री बेस को भी हॉस्पिटल के तौर पर काम लाना पड़ा। कई देश में विश्व युद्ध के चलते पहले से ही डॉक्टरों और नर्सों की कमी थी। इस फ्लू की चपेट में खुद कई डॉक्टर्स और नर्स आ गई थी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इसका हल ढूंढ लिया। एहतियातन लोगों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया, साथ ही सार्वजनिक जगहों को बंद करने का फरमान सुना दिया गया। लोगों को हाथ मिलाने और घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। साल 1919, इस साल गर्मियां आते आते ये बीमारी खत्म होने लगी थी, क्योंकि जो इससे संक्रमित लोग थे या तो वो मर गए या फिर उनका इम्यून सिस्टम ठीक हो गया। साल 1920 का दिसंबर आते आते ये बीमारी लगभग खत्म हो गई थी। लोगों ने इस बीमारी को भुला सा दिया है, इसीलिए इसे फॉरगॉटन पैंडेमिक यानी भूली हुई महामारी भी कहा जाता है, क्योंकि इस बारे में न ज्यादा रिसर्च हुई है और ना ही डॉक्यूमेंटेशंस। इसको लेकर जो भी शोध का काम हुआ है वो पिछले 10 से 20 सालों में हुआ है। इस महामारी ने न सिर्फ दुनिया को एक सीख दी बल्कि नए नए साइंटिफिक रिसर्च होने शुरू हो गए। इसी का नतीजा था कि साल 1920 में एंटीबायोटिक्स की ईजाद हुई। आज भी कई साइंटिस्ट इस फ्लू को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और आज भी इससे जुड़ी कई बातें रहस्यमय हैं। आपको आगे भी ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।